हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड एक्स डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर ऑप्शंस आर गिवन, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन को जो हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये क्या है, ई टू द पावर माइनस का मोड एक्स है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड ई टू द पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स जीरो माइनस पर फंक्शन का ई टू द पावर एक्स, इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो कितना आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगी। एंड एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू क्या आएगी, इसकी वन के इक्वल आ जाएगी। तो कनेक्टिंग जीरो के अलावा तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, जीरो पर भी कंटिन्यूस हो गया बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट सेम आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी सेम आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, is continuous, f of x is continuous for all x belongs to, यानी कि everywhere continuous है। तो second statement क्या हो गया, true हो गया। first statement को देखते हैं, अगर हम f dash x find करें तो f dash x हमारा क्या आ जाएगा, e to the power x when x is less than 0 and minus e to the power minus x when x is greater than or equal to 0, ये हमारा f dash x आएगा। so left hand derivative, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ डैश एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो के लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या है हमारा, एफ डैश एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, वन। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये कितना है, माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा। दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स के लिए, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड है, दैट इज ऑप्शन, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।